और वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज अंबाला के नागरिक अस्पताल में लग रहे ऑक्सीजन प्लांट का दौरा करने के लिए पहुंचे। इस दौरान विज ने प्लांट लगा रहे वेंडर्स को ऑक्सीजन प्लांट को चालू करने को लेकर निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि केंद्र ने हरियाणा में लगभग 60 ऑक्सीजन प्लांट्स को मंजूरी दे दी है। विज ने निजी अस्पतालों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में अगर 6 महीने में ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाए जाते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। विज ने कहा कि सीएम मनोहर लाल प्रदेश में ऑक्सीजन आपूर्ति की कमान संभाल रहे हैं। राज्य में कहीं ऑक्सीजन पहुंचाने के काम को वीआईपी मूवमेंट की तरह किया जा रहा है। हरियाणा में ऑक्सीजन सप्लाई के लिए विदेशों से टैंकर मंगवाए जा रहे हैं। हमें 6 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट मिले थे, जिसमें से सोनीपत और करनाल में चालू हो चुके हैं। अंबाला में आज रात तक इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि ये चालू हो जाएगा, और पंचकुला, फरीदाबाद और हिसार में अगले 2-3 दिन में चालू हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त भी हमें केंद्र सरकार ने 60 प्लांट और मंजूर किए हैं, जो 30 बेडेड अस्पतालों में, 50 बेडेड अस्पतालों में, 100 बेडेड अस्पतालों में, 200 बेडेड अस्पतालों में हम लगाने जा रहे हैं।